नमस्कार, मैं हूं बलराम सर्राफ। के आर न्यूज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहले खबर की सुर्खियां। अब मधुबनी शहर के लोगों को शीघ्र मिलेगा जल जमाव की समस्या से मुक्ति। जिला पदाधिकारी के निर्देश पर थाना मोड़ से कोतवाली चौक तक सड़क मार्ग में अतिक्रमित भूमि का सीमांकन कार्य हुआ प्रारंभ। शहर से जल निकासी हेतु निर्माणाधीन नाला कार्य में आ रहे अवरोध को दूर करने हेतु डीएम ने दिया आदेश। अब सुनिए खबर विस्तार से। अब मधुबनी शहर के लोगों को जल जमाव समस्या से होने वाली परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मधुबनी शहर के निवासियों को प्रत्येक साल बरसात के दिनों में होने वाली जल जमाव की समस्या से दो चार होना पड़ता है, जिसका शिकार आम लोग राहगीर भी होते रहते हैं। बरसात के दिनों में होने वाली जल जमाव का मुख्य कारण पानी निकासी सही तरीके से नहीं होना है। साथ ही स्टेट हाईवे के जमीन पर आम लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। इस दिशा में जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद देवड़े के पहल पर बुडको को नाला का निर्माण सड़क के किनारे करने का निर्देश दिया गया है। मामले पर जिला पदाधिकारी ने महत्वपूर्ण आदेश देते हुए थाना मोड़ से कोतवाली चौक तक सड़क के किनारे अतिक्रमित भूमि का सीमांकन कराने हेतु जिले के सभी अमीन एवं बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की है, ताकि नाले का निर्माण शीघ्र हो सके एवं लोगों को जल जमाव से अस्थायी मुक्ति मिल सके। जिला पदाधिकारी के आदेश के आलोक में आज इसी को लेकर सीमांकन कार्य प्रारंभ हुआ। मालूम हो कि मधुबनी शहर के निचले इलाके सहित शहर के VIP कॉलोनी में हर वर्ष बरसात के दिनों में काफ़ी पानी जमा हो जाता है। इस कारण शहर के निवासियों एवं आम नागरिकों को काफ़ी कष्ट का सामना करना पड़ता है। इसी को लेकर शुक्रवार को DM डॉक्टर नीलेश रामचंद देवड़े ने मधुबनी शहर के कोतवाली चौक से दुमंथा रास्ते में 10 नंबर गुमती के पास रेलवे लाइन के किनारे पहुंचकर जल जमाव का निरीक्षण किया था। उन्होंने वहां पर जमा गाद कचरे एवं जल कुंभी को अविलंब सफाई करने का निर्देश उपस्थित पदाधिकारी को दिया था। उसके बाद DM ने रेलवे गुमटी संख्या 12 स्थित विनोदानंद झा कॉलोनी में हुए जल जमाव का भी निरीक्षण किया था। साथ ही DM ने रेलवे गुमटी संख्या 12 के ओवरब्रिज निर्माण के दौरान पुलिया छोटा होने के कारण पानी का बहाव अवरुद्ध है, इस पर नगर कार्यपालक पदाधिकारी को बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के तहत कार्रवाई करते हुए अविलंब पानी निकासी की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया था। आप देख रहे हैं KR न्यूज। आप चैनल के को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा इसे अन्य ग्रुप में भी फॉरवर्ड करें। आपके सब्सक्राइब करने से बढ़ेगा हमारा हौसला। समाचार जारी है। इधर जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद देवड़े ने शहर के विभिन्न कॉलोनियों के जल जमाव क्षेत्रों के भ्रमण कर जल निकासी के अवरुद्ध मार्गों की सफाई हेतु दिए गए निर्देश के 24 घंटे के भीतर इसका असर दिखने लगा है। नगर कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा आज शहरी क्षेत्रों के विभिन्न स्थलों पर जल निकासी मार्ग की सफाई कराई गई तथा अवरोधों को हटाया गया। नगर कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि 12 नंबर गुमटी के पास कैनाल से बहकर आए जलकुंभी एवं गाद की सफाई की गई। पंचवटी चौक से बिजली कॉलोनी होते हुए भंडार रोड में नाला की उराही भी की गई। कोर्ट परिसर से खादी भंडार रोड तक नाला की सफाई की गई। वार्ड नंबर 20 में पुलिया तक बहकर आए हुए कचरे एवं जलकुंभी की सफाई की गई। आदर्श नगर में जमा हुए पानी निकासी के मार्ग दुरुस्त किया गया। अब इसका पानी मंगरोनी पंचायत होकर गुजर रहा है। आप देख रहे थे KR न्यूज। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा इसे अन्य ग्रुप में भी फॉरवर्ड करें। आपके सब्सक्राइब करने से बढ़ेगा हमारा हौसला। धन्यवाद।